إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون حضرات محترم گزشتہ آیات میں ऐसी औरत जिसका खामद फौत हो जाता है उसकी इद्दत का तज़किरा किया कि उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। लेकिन ये बात याद रखें, बाज़ औक़ात इंसान ऐसे हालात भी होते हैं कि बीवी फौत हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो शादी और करे। जब वो शादी करता है तो फिर जो पहली औलाद होती है वो अपनी माँ के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करती या उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। ये एक ऐसी बात है जो बाप के साथ भी जुल्म है और इस्लाम के अंदर भी इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शख्स को जो ऐसा करता है उसे हुक्म दिया, वल्लदीन युतवफ़ौन मिनकुम, जब तुम में से कोई फौत होता है, वयदरून अज़वाजन, और अपने पीछे बीवियां छोड़ देता है, वसीयतन लि अज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज, उसे अपने घर वालों को वसीयत करनी चाहिए कि 1 साल तक इसे घर से ना निकालें। 4 महीने 10 दिन तो उसे कहा कि तुमने अपने घर से नहीं निकलना, वो चाहे भी तो नहीं निकल सकती। लेकिन आज ना अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर ना इस्लाम के किसी बात की हया, उधर खुदा न खास्ता बाप फौत हुआ तो उसकी बीवी को घर से निकाल देते हैं। ये एक ऐसा जुल्म है जो हमारे मुआशरे में आम है। हम समझते हैं चूंकि बाबा ने हमारी मर्जी के खिलाफ किया था इसलिए हम इसे नहीं रहने देंगे, और हत्ता के उसका हक तक, हालांकि अगर वो 1 दिन भी रही है और अगर उसने बाप ने शादी की और अभी उसके साथ मुलाकात भी नहीं हुई तो वो मर गया, फिर भी वो उसकी विरासत की हकदार है। जिस तरह बरो बिन वाशब, ये एक खातून थी जिसकी शादी हुई और अभी ये ताल्लुक कायम भी नहीं हुआ था, उसका खामद फौत हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला आया तो आपने उसकी विरासत में से उसे हिस्सा दिया था। तो मेरे अजीज भाइयों, ये बात याद रखें कि हमने सिर्फ नमाज रोजे तक इस्लाम को महदूद कर दिया है। इस्लाम हमारी पूरी जिंदगी के जितने मुआमलात हैं उसमें हमारी रहनुमाई करता है, और हमें ऐसे मामले में जिसका अल्लाह ने वाज़े हुक्म दे दिया है,
हम में से किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उसके खिलाफ करे, वगरना उसका शायद इतना कुछ ना बिगड़े जितना हम अपना बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जब किसी का हक मारेंगे तो अल्लाह की अदालत में वो जाके हक देना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई फौत होता है और अपने पीछे बीवियां छोड़ देता है वसीयतन, इस मरने वाले को चाहिए कि अपने खानदान के लोगों को वसीयत करे लिअज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए, मताअन इलल हौल गैर इखराज, इन्हें एक साल तक घर से नहीं निकालना है। फइन खरजना फला जुनाह अलैकुम, अगर वो अपनी इद्दत गुजार के खुद ही चली जाती है तो फिर उनकी मर्जी है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। फीमा फअल नफी अनफुसिहिन मिन मारूफ, और वो मारूफ तरीके से अपने मुतालिक कोई और फैसला कर लेती है। अब ये बात याद रखें, हमारे यहां भी ये होता है कि बस घरों में बाप फौत हो जाता है, माँ सिसक सिसक के मरती है, ना बहुएं उसका कोई ख्याल करती हैं, बेटे भी तवज्जो नहीं देते, अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अगर वो ऐसी जिंदगी में है कि उसकी शादी हो सकती है तो औलाद को खुद चाहिए कि उसकी शादी कर दे। हाँ, अगर वो सब्र करके बैठती है तो ये उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर उसका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं और ये भी शर्म किसी को नहीं कि ये किस तरह जिंदगी बसर कर रही है, तो फिर बेहतर बात यह है कि उसकी शादी कर दी जाए। ये हकीकत बात यह है कि अरबों में इस मामले में बहुत बड़ा हौसला है कि अगर माँ फौत हो जाए तो बाप की अपने हाथों से शादी करते हैं, कि हमारा बाप अपनी आखिरी जिंदगी में ये ऐसी हालत में ना मर जाए कि ये हसरत और अफसोस के साथ। अगर खुदा ना खास्ता बाप फौत हो जाए तो माँ की शादी कर देते हैं, तो यहां तो हमने ये अजीम गुनाह समझा हुआ है। हालांकि इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि उसको हक है कि अगर वो ऐसा करना चाहे, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कर ले तो जिंदगी भर के लिए कता ताल्लुक कर लेते हैं, अगर बाप है तो बाप के साथ कता ताल्लुक, अगर माँ है तो माँ के साथ हमेशा के लिए कता ताल्लुक कर लेते हैं। जबकि अल्लाह कहते हैं फला जुनाह अलैकुम फीमा फअलन फी अनफुसिहिन मिन मारूफ, अगर वो जायज तरीके से अपने मुतालिक कोई फैसला करती हैं तो फिर उन पे कोई गुनाह नहीं और तुम्हें भी उस पे नहीं जो है रस्ते में रुकावट बनना चाहिए। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लकाति मताउन बिल मारूफ, और जिन्हें तुम तलाक देते हो ये नहीं कि तलाक दी और उसके बाद सब कुछ उनका छीन लिया, बल्कि पहली बात तो यह है जो उनका है वो भी देना चाहिए और मारूफ तरीके से कुछ उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसे देना चाहिए ताकि अच्छा वक्त गुजर जाए और वो अच्छे लफ्जों से याद रखे कि मेरे जो है सबका खामद उसने मुझ पर जुल्म नहीं किया था, उसे अपनी गलती का एहसास होता रहे। मैं एक ऐसा केस जानता हूं कि शादी हुई, आपस में निभा नहीं हो सका, एक तलाक दे दी, अब उन्होंने गैर मुअज्जल 25 लाख रुपया हक महर, 10 तोले जेवर का 25 लाख रुपया हक महर लिखा हुआ था, उन्होंने समझा कि इसने देना नहीं है, हम हमारा झगड़ा चलता रहेगा, अल्लाह उस बच्चे को जजाए खैर दे, उस बच्चे ने कहा कि मैं एक पाई भी नहीं रखना चाहता, ये 10 तोले सोना आपके पास है, ये चेक लो 25 लाख का, कोई बात नहीं, हमारा नहीं निभा हुआ, जो आपका हक था मैं दे दिया। उस खानदान पे इतना असर हुआ कि वो पांव पड़ गए। असल में क्लेश ये था कि बच्ची ना पर्दा करती थी ना नमाज पढ़ती थी, उसने कहा ये मेरे बारे में नहीं है, और बिल आखिर उसने मजबूर होकर कहा कि मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूं, यानी उसकी इस खैरखाही ने ऐसा दिल में असर डाला कि उसने 25 लाख का चेक भी लिख दिया कि ये ले लो
मैं ऐसी औरत को घर नहीं रख सकता जो नमाज भी ना पढ़े और पर्दे भी ना पर्दे में भी ना रहे। बिलाखर उसने पर्दा भी किया और नमाज के मुताल्लिक भी कहा मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगी और मुझे एक दफा माफी दे दीजिए। यानी देखिए अल्लाह ने वो सब कुछ भी बचाया, घर भी बचा लिया और उसे भी नेकी की तौफीक मिल गई। तो हम ये जो खेंचा तानी शुरू करते हैं कि इसे कुछ नहीं देना, इसके साथ ऐसे करना है, ये और क्लेश को बढ़ाती है और कभी भी जिंदगी नहीं दोबारा जुड़ती। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो फैसले हैं उनमें बड़ी खैर है। हमें बाज़ुकात उन फैसलों की समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह मालिक ने जो फैसले किए हुए हैं उसी के अंदर खैर है। वे वलिल मुतल्लकाति मताउन बिल मारूफ, जब तलाक देते हैं तो खानदानों में दुश्मनियां पड़ जाती हैं, एक दूसरे को मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। अगर एक इंसान नहीं निभा होता तो मारूफ तरीके से अलग करके उसकी कुछ हौसला अफजाई कर देता है तो कम अज कम दुश्मनी से तो बच जाएगा। कहा वलिल मुतल्लकाति मताउन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, जिसके दिल में खौफ खुदा है उस पर यह हक है कि तलाक देने के बाद उसे इसी तरह ना छोड़ दे बल्कि अच्छे तरीके से उसकी कुछ मुआवनत कर दे अपनी हैसियत के मुताबिक कि उसकी हौसला अफजाई हो जाए। और बाज़ुकात यह भी हो सकता है कि वो जिद और इनाद की वजह से यह सब कुछ हो रहा है और जब उसकी मुआवनत की जाए तो वो समझे कि इसने मेरे साथ ऐसे हालात में भी खैरखाई की है, मुझे और किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद माफी मांग लेती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बातें हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, ये तुम्हारे लिए अल्लाह अपनी आयात को बयान कर रहा है लअल्लकुम तअकिलून, ताकि तुम अकल करो। जो फैसले हम अपनी मर्जी से करते हैं वो बेअकली के फैसले हैं, उसमें कोई दानाई नहीं है। वो फैसला अकल वाला है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करे। तो हमें वही फैसला करना चाहिए जो हमारा रब हमसे तकाजा करता है। तो यहां तलाक के मसाइल बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंचे। इसके बाद अल्लाह एक कौम का तस्करा कर रहे हैं। ये कौन सी कौम थी? बाज लिखते हैं मुफस्सरीन ये बनी इसराइल थे, बाज कहते हैं कि चूंकि हमारे पास इसका सबूत कोई नहीं लेकिन पहली कौमों में से एक कौम थी। दो सबब बयान किए जाते हैं, एक ये कि उनके अंदर एक वबा फैल गई, वो सारे मौत के डर से उस जगह को छोड़ के भाग गए, और एक ये है कि अल्लाह ने उन्हें लड़ने का कुफार के साथ हुक्म दिया, वो सारे अपने नबी का साथ छोड़ के भाग गए। तो जब वो भागे भागे तो मौत के डर थे ना, डर से थे, तो अल्लाह ने वो जहां पहुंचे वहीं पे सबको मौत दे दी। मौत देने के बाद अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया ताकि इन्हें एहसास हो कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ना इंसान किसी वजह से मर सकता है और ना अपने आप को अगर उसकी मौत आई है तो बचा सकता है। इस्लाम के अजीम सिपा सलार सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप पूरी जिंदगी जब से इस्लाम कबूल किया और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के आखिर तक रहे, कौन सा मैदान है जहां अपने जौहर नहीं दिखाए? इंसान के 360 जोड़ हैं जहां इसकी हड्डियां मूव करती हैं, और आप जब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे चारपाई पे तो कहने लगे मौत से घबराने वाले मुझे देखे, मेरे दो जोड़ों के दरमियान जिस्म पे कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां जख्म का निशान ना हो, पूरे जिस्म के अंदर मुझे जख्म के निशान, कहीं तलवार का, कहीं तीर का, कहीं चाकू का, कहीं वैसे कोई ना कोई जख्म मुझे मौजूद है। मैं जंगलों पहाड़ों सहराओं समुद्रों में मौत की तलाश में भागता रहा, मुझे न मौत नहीं मिली,
मौत से डरने वालों, आज देखो मैं अपनी चारपाई पे फौत हो रहा हूं, जबकि सारी जिंदगी शहादत की तमन्ना लिए हुए मैं ये सारा कुछ करता रहा। और ये एक हकीकत है कि अगर अल्लाह ने नहीं मौत लिखी तो मैदानों के अंदर कुफार में घुस के गुमसान की लड़ाइयों में भी मौत नहीं आ सकती। तो अगर मौत आनी है तो जहां मर्जी वलो कुन तुम फी बुरोज मुशय्यदा, अल्लाह कहते हैं मजबूत किले बना के उसके अंदर भी बंद कर लो अपने आप को, अगर मौत आनी है तो वहां भी आ जाए। तो ये दुनिया के अंदर अल्लाह ने एक मिसाल दिखाई लोगों को कि वो मौत से डर के भागे। अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा इलल लदीन खरजु मिन दियारिहिम, क्या देखा है उन लोगों की तरफ जो अपने घरों से निकले, वहुम उलूफुन, वो हजारों की तादाद में थे, हजर अल मौत, मौत के डर से, फकाल लहुमुल्लाह मूतु, जब वो वहां से निकल गए उन्होंने समझा हम महफूज हो गए हैं तो अल्लाह ने वहां कहा मर जाओ, एक ही लम्हे में सारे के सारे मर गए। फिर अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अहिया, फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया और दो बातें दिखाई, एक ये कि जहां तुम अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हो मौत में वहां भी दे सकता, दूसरी बात यह बताई जिंदा करके कि ये न समझना कि जो मर जाए वो हमेशा के लिए मर गया, मैं जिंदा कर सकता, जिंदा करके प्रैक्टिकली लोगों के सामने उन्हें दिखाया। सुम्मा अहिया, फिर अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अला नास, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों पे बहुत ज्यादा फजल है, वलकिन्ना अक्सरन नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो है वो शुक्र नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शुक्र करने वाला बनाए। आप देखिए हर नमाज के बाद हमें हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी कुल्ली दुबुरिस सला, हर नमाज के बाद अल्लाह से ये इल्तिजा कर किया करो, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती, ए अल्लाह तू मुझे तौफीक दे, मेरी मदद कर, मैं तेरा जिक्र कर सकूं, तेरा शुक्र कर सकूं और तेरी अच्छे तरीके से इबादत कर सकूं। अल्लाह हमें भी शुक्र करने वाला बनाए। अकूलु कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। भाई कहते हैं बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह सब बीमारों को शफाए कामला इस्लाता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन अला कुल हाल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أزهد الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك من سواك، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتِ ركابنا وركاب آبائنا من النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.